हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, हमारे पीछे बहुत घर में गहमा गहमी हो चुकी है, जहाँ कुछ होता रहता है। तो स्ट्रेस जो हमारे हमारे में जो हो जाता है ना, कि यार ये क्या चल रहा है, झगड़े फसाद ये क्या हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें रिलीफ करने के लिए थोड़े बहुत करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो रोस्टिंग वीडियो है। ये भाई हैं, इनका चैनल है वीडियो स्टोरी स्टोरीज बाय शुभम। ये बहुत अच्छे बनाते हैं, रोस्ट वीडियो बनाते हैं, और इसकी वीडियो मैंने एक आधे बारी की भी हुई है। वो इंडियन चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनके चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि इंडिया के चैनल को हर एक को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। हाँ, जो इंडिया के खिलाफ हैं चैनल, उनको सपोर्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। तो ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो थोड़े मज़े करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने मज़े नहीं किए रोस्ट वीडियो के। अब ट्यूब ब्रो भाई की भी वीडियो अभी तक कोई आ नहीं रही है, जब आएगी तो उनके भी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। तो पहले इनकी वीडियो पे करते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पाकिस्तान नाइटमेयर, मेजर गौरव आर्या, इंडियन मीडिया बेस्ट वायरल फनी एंग्री कॉमेडी थग लाइफ मोमेंट्स। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा तबसरा करेंगे या मजे करेंगे, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा, इलाज भी नहीं मरम्मत करनी पड़ेगी, रिपेयर वर्क। एक इंडियन मेजर जो रिटायर होने के बाद भी आज पाकिस्तान के लिए बुरा सपना साबित होता है। हर एक फौजी जो शहीद हुआ है, हर एक बेगुना जो शहीद हुआ है, 26/11 में पार्लियामेंट अटैक में, अक्षरधाम में, 1993 में, कोई नहीं भूला भाई, कोई नहीं भूला, सब याद है हमको। एक एक चीज नोटेड है और एक एक चीज का हिसाब होगा, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला एक एक करके हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना। टीवी न्यूज में हाजिर जवाबी की मिसाल, तुम्हारी डबल चिन ट्रिपल चिन है, तुम्हारा पेट निकला हुआ जंजू, और तुम अपने आप के मेजर लगाते हो, नाम क्या गए? मैंने ऐसा मोटा मेजर आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा मोटा मेजर आज तक नहीं देखा। अगर मेजर जंजुआ 10 सीढ़ियां चढ़ ले बिना हाफे हुए, मैं अपना नाम बदल लूंगा। जो देते हैं जैसे को तैसा जवाब। I blame the way you celebrated abrogation of 370 articles. Of course. और आपको जन्म भर मातम करना है, कब हमें दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 370 35 से कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आएगा कभी। आप रोते रहो। अरे बेटा माज कर दी, हां माज कर दी वाह बेटे वाह। इनका एक ही मोटो है, सीधी बात, नो बकवास। पुलवामा करोगे तो बालाकोट होगा सर, उड़ी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इनकी डिबेट्स देखने में एक अलग ही मजा है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। और कहाँ जाए? समझ गए? क्योंकि इसमें जितना सीरियस मुद्दों पर डिस्कशन होता है, उतना ही हंसी मजाक और टांग खिंचाई भी होती है। ये 20-20 रुपए के लिए बाल काटता है, एक्चुअली पीर है ये। मैं बताता हूँ, इसका शामे मुल्क कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार, बहुत पहले। ये पीर है। इमोशनल डैमेज। ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा, ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है, वरना तो इनके शेख रशीद ही निपटा देते इनका पूरा फॉरेन अफेयर्स। शेख रशीद इज अ नॉटी बॉय, ओ ही इज अ नॉटी बॉय, बदमाश बच्चा है वो। बिजती हो गई, बात तो सही है। अपने अपोनेंट को रोस्ट करने में इनको इतनी महारत हासिल है कि इनके फैंस के लिए इनका लेवल कैरी मनाटी से भी ऊपर है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी है। They live in a fool's paradise. अच्छा बात नहीं है। इनका यही है, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके, घोड़ा बिक गया। और तलवार गिर रही है, और तलवार गिर रही है। वाह वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। मेजर आ रहा थोड़ा मोड़ी किस्म के आदमी है,
तो जब इनका मूड ऑफ हो जाता है तो उसके लिए भी इनके पास एक थेरेपी है। इन्होंने वो थेरेपी शेयर की और बताया कि कैसे ये अपना मूड ठीक करते हैं। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब है वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहां पे रोज इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं, मैं इनसे तो बेहतर हूँ यार। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, खैर इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होता है, आई जी लुट गए, आई जी बर्बाद हो गए, उनका रोना गाना खत्म नहीं होता। देन सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपना अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, फार बेटर ऑफ। इनकी बातें ऐसी हैं कि ये मीम मटेरियल बन जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे इतनी गालियां आती हैं, इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली। ट्रिपल पीएचडी है गालियों में, ट्रिपल पीएचडी है गालियों में। पाकिस्तान को बंटवारा करके आखिरकार क्यों बनाया गया, वो भी मेजर आर्या ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का माइंड रीड कर लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि मेजर को कंटेंट मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करा और बोला कि बेटा फुल टॉस फेंकते रहना कि मेजर बल्ला घुमाता रहे, घुमाता रहे, घुमाता रहे। सीधा उठा के लास्ट बॉल पे छक्का मारा, छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कभी कभी ये शेफ भी बन जाते हैं, पाकिस्तानी सैंडविच बनाने की रेसिपी बताने लगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग दोबारा शुरू करो, है ना, और वहां से तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन है, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, राइट, पाकिस्तान का बनाओ सैंडविच। Nice. मेजर पाकिस्तानियों के जहन में इतना ज्यादा समा जाते हैं कि उनको हर जगह सिर्फ मेजर ही मेजर नजर आते हैं, और शायद सपनों में भी। बात कर रहे थे अशोक पंडित जी, कमर चीमा साहब कहते हैं मेजर साहब, ये आपको मेजर क्यों दिखाई देता है हर जगह, कोई भी बोलता आपको मेजर 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 दिखाई देता है, क्या मैं सपनों में आता हूँ आपके कमर चीमा, क्या बात है। और क्योंकि पाकिस्तान को यह अक्सर लगता है कि इंडिया उसके खिलाफ साजिश ही करता रहता है, तो आखिरकार मेजर गौरव आर्य ने भी ये बात स्वीकार कर ली। सुनिए आप एक बार इनका तंज भरा इकरारनामा। बहुत बड़ी साजिश है, हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर, इकोनॉमी कोने में डालो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोने में डालो, स्पेस प्रोग्राम कोने में डालो, स्पोर्ट्स कोने में डालो, एग्रीकल्चर कोने में डालो, सब लोग बैठ के सर एक जगह, मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, डोवाल साहब बैठते हैं, हमारे आर्मी चीफ सब बैठ के दिन रात सर, दिन में करीब 4-4 मीटिंगें होती हैं, साजिश 1, साजिश 2, साजिश 3, साजिश 4, सर हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ साजिश करते हैं। जो हमारी $3 trillion की इकोनॉमी है और इंडिया का जो इतना रुतबा है, दबदबा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बच्चों। पाकिस्तान के साथ अगर बातों से जंग लड़ने को बोल दिया जाए तो भारत की तरफ से अकेले मेजर गौरव आर्या ही काफी है। क्या पॉलिसी आप, जिसने डॉलर फेंके आप उसके पास कटोरा लेके पहुंच गए, ये आपकी पॉलिसी है। ये अकेले ही पूरी जंग जिता देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है शकरण जी, जिसने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। लास्ट गुड न्यूज इमरान खान ने दी थी 1992 में जो वर्ल्ड कप जीता था। अब पाकिस्तानियों के तो हीरोज गजनवी, गौरी, बाबर, इस टाइप के लोग हीरो हैं। तो जिनके हीरो ही डकैत कातिल होंगे, फिर आप उनसे क्या तवज्जो रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तानियों का माइंड रीड करने की कोशिश भी एक बार इन्होंने की, सुनिए इनका एनालिसिस। उनकी इकोनॉमी डिफंक्ट है, लोग कहते हैं तुम लोग भीख मांग के काम, कटोरा खान का हैशटैग ट्रेंड करा था नंबर 1 पे। अगर आप पूरे माहौल में देखें तब आप एक आम पाकिस्तानी को बोलें कि नहीं तुम आम और मामूली नहीं हो, पता है तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश करी है, तुम क्या सोच सकते हो। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं बिल्कुल ही पसमानदा हूं, बिल्कुल ही गया गुजरा हूं, और आप मुझे कन्विंस कर दो कि मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरी तो प्रोफाइल बढ़ जाएगी ना रातों रात। आप इस करें जी सोचिए, मेरी प्रोफाइल बढ़ जाएगी। मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो समझ लो मैं भी उसके आसपास, क्योंकि साजिश तो बराबर वालों में होती है। मैंने बोला आखिर चलो आप कह रहे हो ना अमेरिका ने साजिश करी, हम मान लेते हैं करी, आप ये बताओ क्यों करेगा अमेरिका, आपके पास है क्या ऐसा जो अमेरिका को चाहिए।
ये बड़ा इनका पाकिस्तानियों का लॉजिक कभी आपको ना आपको समझ नहीं आएगा ना मुझे समझ आएगा। ये अलग से अलग प्लैनेट में रहते हैं, मार्स जुपिटर नेपच्यून टाइप में रहते हैं लोग। यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। साले तू बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। जब पाकिस्तान चाहता है कि विदेशों से लोग वहां उनके देश में आकर सेटल हों, तो इस बात पे गौरव आर्य को थोड़ा शक है। ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माय अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज़ आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इस देश को मेजर ने सम अप किया है केवल कुछ ही शब्दों में। आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स। नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? ये तो धोती खोल रहा है। तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे डालते हैं, फिर सामने वाले के पास खिसियानी हंसी हंसने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचता। अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। आर यू कॉमेडी मी? 25,000 पीपल ऑफ एमपीओ हैव बीन किल्ड इन कराची इन ऑपरेशंस। ही हैज गॉट द कंप्लीट लिस्ट। उन्होंने उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है 20 हो सकता है 15। आई डोंट नो उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी। जब जब कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ज्यादा बातें की, तब तब मेजर गौरव आर्य ने महा बेइज्जत करके उनका मुंह बंद करवाया। तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गाय के पेशाब का नशा करते हैं। रुको जरा, सबर करो। आप ये नहीं कहते कि गाय की पेशाब पीते हैं, मतलब मैं अपने बारे में, मोदी जी के बारे में तो मैं जानता नहीं। जहां तक मेरी बात है सर, वो बियर है, वो गाय की पेशाब नहीं है। आप लोगों की मिलती नहीं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ बिजनेस को लेकर भी इनका क्लियर कट विचार सुनिए। एक 2% की कहती ट्रेड बंद कर दो, एक हफ्ते के बाद कहते नीचे दवाइयां तो भेजी दो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। और उनके वीडियोस पे रिएक्शन वीडियोस बना बना कर पाकिस्तानी भी पैसे कमाते हैं। जब वो पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, उनको रोस्ट करते हैं, तो ये यूट्यूबर्स उनकी तारीफ करते हैं और उनकी बातों पे मजे भी लेते हैं। टाइड मेजर गौरव आर्य पाकिस्तानी मीडिया की बैंड बजाने में सबसे आगे। गफारी, तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा। कभी कभी तो ये डिबेट में अचानक से अर्णब गोस्वामी को पॉलिटिशियंस का दाम भी बता देते हैं। अर्णब, ये दो दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस रहेंगे, दो दो कौड़ी की नेतागिरी करता अपने गांव में भट्टी है, जो आज की तारीख में कह रहा है ठोकेंगे। तूने मुर्गी मारी आज तक? तूने मुर्गी मारी आज तक? भाई साहब सीधी बात करते ही है ये। इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रूपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पर नाचना शुरू कर देगा। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद DGISI की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अब आप समझ गए गोली कहां पर पड़ी होगी। उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है। और इतने कॉन्फिडेंस से अगले से बात करते हैं ना कि वो इन्हें गलत साबित कर ही नहीं सकता। सच बात कहने से कतराते हैं, ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जब मेजर कोई तगड़ा सवाल पूछते हैं, तो सामने वाला उस सवाल का जवाब देने के अलावा बाकी सब बातें बोलने लगता है, पर उसका जवाब बस नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या है लश्कर तैयबा का, जरा समझाइए, मैं नहीं समझ पाया। जैश मोहम्मद का मतलब क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है सर, जरा हमें बताइए। इसको ट्रांसलेट करके बताइए सर, अरबी से हिंदी में, कि हम लोग सब समझ जाएं। सर एक मिनट, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि लश्कर ए तैयबा का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए। मुझे लश्कर ए तैयबा का मतलब क्या है मुझे बताएं। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? व्हाट इज हिंदू राष्ट्र? अब आप चुप रहिए, मैं आपको बता देता हूँ हिंदू राष्ट्र क्या होता है। बताइए जी। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पे, सुनिए मैं आपको बताऊँ, आप सवाल का जवाब सुनना कि नहीं सुनना, सवाल का जवाब सुनना कि नहीं सुनना, बताएं। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पे राम राज्य है, और आज की तारीख में अगर भारत सेक्युलर है, भारत डेमोक्रेसी है, वो इसलिए है क्योंकि 85% ऑफ पीपल आर हिंदू।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मांगने के लिए अगर वो भिड़ गए, उसके पीछे पड़ गए, तो सामने वाले की पोल खोल कर ही मानते हैं। उसका मतलब क्या है ये बताइए, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, आप उसका ट्रांसलेशन करके बताइए। जैश मोहम्मद का क्या मतलब है बताइए सर। लोन साहब मेरी आपसे गुजारिश है, जैश मोहम्मद का मतलब बताइए। जो आतंकवादी संगठन है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसका नाम है जैश मोहम्मद, उसका मतलब बताइए क्या है उसका। अरे क्या बात बोल रहे हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे उम्र में छोटा हूँ, इतना तो हक बनता है कि आपसे सवाल पूछ लूँ। जवाब दे दीजिए आप, मैं चुप हो जाऊंगा। अरे वाले वाले वाह, क्या मजा आ गया। आप क्यों कवरिंग फायर देते हैं रात के शोज में, टेलीविजन शोज पे? क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है आप यही जबान बोलें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इनका एक सीधा सवाल पाकिस्तानियों की बेइज्जती करने के लिए काफी रहता है। बड़ी मोहब्बत इज्जत से बात, फिर मैं पूछूंगा लश्करे तैयबा का मतलब, फिर आपका मुंह सूज जाएगा सर, ऐसा मत करिए। इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़ा किया। रशिया के साथ पाकिस्तान की दोस्ती पर इनको गहरा संदेह है। पाकिस्तानी मीडिया को जब भी आप देखेंगे बोलेंगे साहब रूस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और मैंने कितनी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट से पूछा है, 3-4 से कम मैंने पूछा है कि भाई रूस तुम्हारा अच्छा दोस्त कैसे है, कैसे बस है, उनको खुद नहीं पता, पर उनकी आर्मी ने बोल रखा है कि तुम प्रचार करो इसका, तो रोज आके अपने मीडिया पे रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रूस हमारा। अरे भाई तुमने रूस से 1 रुपए का सामान खरीदा है? चलो छोड़ दो, तुमने रूस से 1 रुपए का, 1 रुपए है तुम्हारे पास? तो ये था मेजर गौरव आर्या के मजेदार मोमेंट्स का एक और वीडियो। सीरीज के बाकी वीडियोस भी देखिए और हमारा सपोर्ट करिए, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताएं। बाकी वीडियोस भी चैनल पे जाके देखिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। तो यहाँ तक थी वीडियो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे लास्ट था जो मेजर गौरव आर्या सर ने बोला है, भाई तुम रूस से तेल खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पहले पहले ये बताओ तुम्हारे पास 1 रुपया है, सबसे बेस्ट, जेब फटी हुई है और ये चले हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए, वाह वाह। और पाकिस्तानी पैसे कमाने की खातर ना खुद ही अपनी बेइज्जती करवा के, यार मेरे को ये नहीं समझ आते खुद कौन अपनी बेइज्जती करवा के हंसता है यार, यही है पाकिस्तानी हुई है, जब खुद की बेइज्जती पे खुद ही हंसते हैं और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, क्योंकि इनका है ही धंधा ये है डॉलर बेस, भी पैसा आना चाहिए, चाहे माँ हो, बहन हो, बाप हो, बेटी हो, किसी को भी बेचना पड़े बेच दो, जमीर बेचना पड़े बेच दो, जो इन्होंने 75 सालों में अपना बेच बेच के जमीन है बेच दो, चाइना को बेच दो, डॉलर आना चाहिए बस हमारे पास, तो ऐसी कौम है। बाकी मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, मेजर गौरव आर्या सर की जो होती है ना रोस्टिंग परफेक्ट होती है, और ये भाई ने जो रोस्टिंग की है इस पर मीम्स लगाए हैं वो सोने पे सौगा करके और मज़ेदार कर दिया मेजर गौरव आर्या सर को, यानी कि उसमें मसाले मसूले और डल गए हैं। लेकिन ये रोस्टिंग एक कई तरीके की रोस्टिंग होती है, झूठ पे कई रोस्टिंग हो जाती है, वह झूठ फैलाते जाओ और रोस्ट करते जाओ, ये फैक्ट बेसिस रोस्टिंग है। इंडिया में जितने भी रोस्टर रोस्टिंग करते हैं ना जो लोग, वो फैक्ट पे ही रोस्टिंग करते हैं, जैसे मेजर गौरव आर्या सर भी बीच बीच में रोस्ट करते हैं, ट्यूबर भाई है ये भी हैं, तो ये वही चीज़ें उठाते हैं जो फैक्ट होती हैं, जो मेजर गौरव आर्या सर फैक्ट बताते हैं, जो सच्चाई है दुनिया में, जो पाकिस्तान की रियल चेहरा है। और मेजर गौरव आर्या सर तो पाकिस्तान के साथ साथ तो इंडियन को भी लपेट लेते हैं, क्योंकि इनके दिल में ये नहीं है कि मैं इंडिया को बचा के रखूँ, जहाँ पे इंडिया की गलती है उसको छुपाऊँ, ये इंडिया की गलती भी बोलते हैं कि यहाँ पे हम गलत हैं, हमें भी हम इंडिया को खुद को रोस्ट कर लेते हैं, उनके बंदों से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जवाब मैंने देखा है कि जवाब किसी के पास नहीं होता, जब जवाब नहीं होता तो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो भाई लोग मेरे को तो बहुत मज़ा आया, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप जरूर करना इसको सब्सक्राइब करना जो नए बंदे हैं, ठीक है। और बाकी हमारा जो एम है वो तो हमारा है ही है, पाकिस्तान को तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, उनका जितना भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, प्रोपोगंडा करते हैं, उसको रोकने की जितनी हमारी औकात है या ताकत है हम उसको कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करते रहिए ताकि ये चैनल को हम आगे बढ़ा सकें और इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम मिलके लड़ाई कर सकें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को तो सोल्जर बन जाते हो इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, और मेरे को आपका साथ मिल जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी आवाज़ हमारी बुलंद होती जाएगी। तो अपने प्लेटफॉर्म पर जाके इस चैनल को ज़रूर शेयर किया कीजिए, सो दैट के हम अच्छे अच्छे सोल्जर यहाँ पर ला सकें। तो यहाँ तक थी वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।